हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ क्राफ्टर एसएमसी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्यासे को लवली गॉन्डस का लवली वाला शॉट और गाइस बिना किसी देरी के चलते वीडियो की ओर। सो भाई, आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बहुत ही ज्यादा महंगी चीजें लेने वाला है आज की वीडियो के अंदर। तो भाई, इतना खर्चे के लिए यार एक वीडियो पे, इस वीडियो का जो लाइक है 40 का होप्स आप लोग कंप्लीट जरूर कर दोगे। जी हाँ गाइस, हम लोग वापस हमारे पुराने आइलैंड पे है, ठीक है। तो ये काम करते हैं और फटाफट जाना है मेरे को मार्केट में, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि भाई अपने लिपिंग स्वॉर्ड पे कौन सी चीज़ लगानी चाहिए रिइंफोर्समेंट के अंदर, ठीक है। तो जिसने भी बोला भाई लव यू ब्रो, थैंक्स अ लॉट। तो भाई हम लोग आ चुके हैं हमारे बैंक के साइड, जहाँ पे हम लोग पैसे निकालने वाले हैं। हाँ भाई, जितने पैसे दिख रहे हैं आज सब खर्च होने वाला है भाई, सब के सब खर्च होने वाला है। सीरियसली भाई, मजाक नहीं कर रहा, सब खर्च हो जाएगा। पता नहीं कितने पैसे रहने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई वो वापस कमा लेगा। तो भाई सबसे पहले तो यार चलते हैं रिइंफोर्समेंट एरिया पे ऊपर, और मुझे पता चला है कि यार लिपिंग स्वॉर्ड के ऊपर शार्प लगानी चाहिए, बट यार मेरे को फिर भी डाउट है कि मैं शार्प लगाऊँ ना लगाऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक ऑलरेडी रिइंफोर्स इसको एक बहुत अच्छी लगी है मेरे को। तो भाई शार्प मैंने लगा दिया है, लेट्स चेक कि भाई शार्प का कितना डैमेज आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्रिट डैमेज भाई यार बहुत कम है यार, 152 इज़ नॉट इनफ, 5 हिट दे रही है, नॉट इनफ है यार, सीरियसली भाई। तो इसको चेंज करते हैं। मैंने एक्चुअली जो देखे वो है लेजेंडरी, ठीक है। लेजेंडरी का भाई मैंने डैमेज देखा था, उसका नॉर्मल डैमेज ही 1852 के आसपास का था। तो एक बार शॉट करते हैं भाई। भाई देखो, मैं सही बोला यार, 1837 यार, इट इज़ मोर देन इनफ भाई, सिंगल हिट इतना डैमेज दे रही है तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया। और गाइस मुझे एक्चुअली यार एक और बात पता चली है कि आप लोगों को ये भी जानना है कि भाई सी ऑफ सील और फायर बैजेस आप लोग दोबारा कैसे ले सकते हो। भाई पहले ही बता रहा हूँ, अगर वो खो गया तो खो गया भाई, आप दोबारा आपके हिसाब से नहीं ले सकते, ठीक है। वो यूँ समझ लो यार वन टाइम होता है, ठीक है, वो वन टाइम होता है। आप लोग उसका जो मिशन करते हो वो वन टाइम ही होता है, फिर आप खुद भी देखोगे उसके बाद आप लोगों को कोई मिशन नहीं आता, सी ऑफ सील का तो मिशन ही नहीं आता भाई, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वो लेना है तो आप लोग ले सकते हो, अगर कोई बेच रहा हो तो ऑक्शन हाउस के अंदर, बट आई डोंट नो उसकी प्राइस वगैरह क्या रहती है, ठीक है। बट अगर आप लोगों को और इन्फो चाहिए तो मैं ज़रूर उसको उसके ऊपर पूरा बता दूंगा कि कितने में बिकता है या कितने में मिलता है। तो भाई सबसे पहले बात जो मैं आज बोल रहा था कि आज मेरे सारे पैसे उड़ने वाले, वो बेसिकली एक ही रीज़न की वजह से है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। तो भाई मैं ले रहा हूँ रेवेनेंट आर्मर, जी हाँ गाइस, पूरा का पूरा रेवेनेंट आर्मर। हाँ मुझे पता है कि बहुत पागलपंती है, बट मैंने सोचा यार इतना पैसा है तो क्यों वेस्ट ना करें, ले लेते हैं भाई। ये 600 के का है, ठीक है, नॉन एन्चांटेड, ये भी 600 के का है, एन्चांटेड फुल्ली मैक्स, तो भाई मैं यही ले लूँगा क्योंकि बहुत पैसा है मेरे पास, ठीक है। तो ये ले लेते हैं भाई, मैं क्यों कह रही भाई कि एक्टिंग कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ले लेते हैं भाई, परचेस कर लेते हैं। एंड नेक्स्टली अपने को एक और चीज़ परचेस करनी है, जो कि इसकी लेगिंग्स है, फिर उसकी आती है अपनी चेस्ट प्लेट। और बट हाँ, एक चीज़ है कि मैं ये मतलब यूज़ नहीं कर सकता जब तक मैं स्लेयर मिशन 4 ना कंप्लीट कर दूँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, मेरी कौन हेल्प करेगा स्लेयर 4 तक पहुँचने की, ठीक है। फिर उसके बाद तो भाई मैं खुद हेल्प कर दूंगा भाई, सबकी मैं हेल्प कर दूंगा। अगर मेरे पास ये आर्मर फुल्ली मैं यूज़ करता हो गया, मैं सबकी हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, जैसे कि मैंने बोला था मेरा पूरा पैसा उड़ने वाला है एट दी एंड, लास्ट हमारा समर अराउंड इतना ही बाकी रह गया भाई, 870K। भाई क्या अलग भाई खांसी आ गई, इतना खतरनाक आर्मर हो गया ये। हाँ अभी हेल्थ तो इतनी नहीं है भाई, बट भाई इसको फुल्ली मैक्स में कर दूंगा तो भाई ये बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाला है भाई, सीरियसली बहुत नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। इसकी फुल्ली एबिलिटी अभी मैं यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज ये स्लेयर 4 पे मैं नहीं हूँ इसलिए, ठीक है। तो भाई इस वीडियो का लाइक जो 40 का है प्लीज़ कंप्लीट जरूर कर देना, और मैं आपको मेरा स्लेयर लेवल दिखा देता हूँ। आई थिंक मेरा स्लेयर लेवल 2 भी नहीं है भाई, सीरियसली 2 भी नहीं है मेरा, मजाक से हट के लेवल 2 भी नहीं है, और मेरे पास अभी रेवेनेंट आर्मर है। और रेवेनेंट आर्मर गाइस मैंने इसलिए अभी ले लिया बिकॉज यार स्लेयर 4 के बाद भी मेरे को वो बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, अगर सस्ते भाव में मिल रहा है तो मैंने ले लिया भाई, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा 5 मिलियन जितना था वो सब खर्च हो गया है, तो आई नो ये थोड़ा मेरे को ज़रूर बताना ये ज़्यादा कॉस्टली हो गया या थोड़ा कम भाव में मिल गया, वो मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बट प्लीज़ यार मेरे को ये भी बता देना यार मेरी कौन स्लेयर मिशन कंप्लीट करने में हेल्प करेगा भाई, जो भी करेगा भाई उसको बिग शाउट आउट मेरी तरफ से, लव यू वाला, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प कर देना उसके रिलेटेड, और
लाइक गेम जो है वो कंप्लीट जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी क्राफ्टर खेलता हो, एंड लेट देम नो कि तुम्हारा भाई यहाँ पे जिंदा है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के गाइस, टिल देन सी यू, टाटा एंड बाय बाय।